पर यहाँ हत्या हो जाएगी। और आप प्रशासन में है कि नहीं, बेगूसराय जिला में है? मैं कौन आदमी बताइए ना कि हम जानते हैं, मेरा भाई आया है कंप्लेन करने के लिए, मेरा बतिया है। अभी मोबाइल पहले गाड़ी लूटा और उसके बाद इन लोगों को छीना। हम तो पहले छीना उनके चलते और आप लोग ये एरिया मेरा नहीं है के चक्कर में ये जो सब लूटपाट करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं? ऐसा बात हम लोग और क्या करवा रहे हैं? ऐसा बात हम लोग नहीं, क्यों नहीं वहाँ पे तत्काल क्यों नहीं आए? अभी आए हैं आप, आधा घंटा हो चुका है इस बात को। अरे नाम हमको अराजकता फैला के रखे हुए हैं आप लोग। और क्यों यहाँ पे गश्ती करते हैं? जब पता है कि यहाँ पे छीनछान होता है तो, और आपको पता नहीं है कि कौन छीना होगा? सब लोकल यहाँ का लड़का है, तो वो पिस्टल था लेकर डंडा था बाउंड्री के इशू में जो आप लोग काम करते हैं, मेरा नहीं। अभी क्या हम कहाँ पे खड़े हैं? हम लोग कहाँ खड़े हैं? सहयोग में रहिएगा ना, अगर तुरंत एक्ट कीजिएगा तो हिम्मत नहीं होगा क्रिमिनल का। इसको पता है कि यहाँ पे करेंगे तो मटियानी और मुफस्सिल के चक्कर में पुलिस 2 घंटा लगाएगी और तब तक हम लोग यहाँ पे छिने जाएंगे। लाइट लगा था, लाइट गाछी के पास कुछ आपराधिक तत्वों ने राहगीरों के साथ मारपीट की और उनके साथ छीनाछपटी कर ली। किसी का मोबाइल छीन लिया, किसी से पैसे छीन लिए। तो नज़दीक में मटियानी थाना है, वहाँ से तो वहाँ लोगों ने कंप्लेन किया होगा, तो वहाँ पुलिस वालों ने पहले तो क्षेत्र का मामला उठा दिया। उसी पे हम लोग तुरंत थाने में भी गए और लेकिन तत्काल जो सदर के DSP हैं उन्होंने तुरंत सारे पुलिस अधिकारियों को वहाँ पे भेजा स्पॉट पे और मामला कमोबेश सुलझ गया है। और अधिकारियों ने कहा है कि आइंदा ऐसी घटना नहीं होगी, वहाँ पे प्रॉपर पुलिस पिकेटिंग की व्यवस्था हो जाएगी। हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि वहाँ पे एक परमानेंट पुलिस पिकेट का वहाँ पे स्थापना हो जाए, क्योंकि वो जगह काफ़ी सेंसिटिव है अपराध के मामले में और छोटी मोटी ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं। सर, आधे घंटे तक घटना घटी है, कहीं ना कहीं जिम्मेवार तो मानते हैं पुलिस? बिल्कुल मानते हैं, जिम्मेवार मानते हैं, इसीलिए हम वहाँ पे गए भी और हमने देखा और उनको काफ़ी इस बात पे हम लोगों ने उनको समझाया कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। कहीं पे भी कोई घटना होती है तो क्षेत्र का मामला बाद में होता है, वो आपसी पुलिस का आपसी मामला है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स तुरंत होना चाहिए। किसी भी चाहे किसी भी थाना क्षेत्र का मामला हो, अगर वहाँ पे पुलिस पदाधिकारी किस स्थानीय रूप से खड़े हैं तो उनको उसको उसकी रोकथाम करनी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम उन्हीं को जिम्मेवार मानेंगे। हमने साफ कह दिया है कि आइंदा ऐसी घटना घटी तो मैं खुद FIR पुलिस वालों के खिलाफ दर्ज करूँगा। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पानगाछी में दिन रात के आधा दर्जन व्यक्ति के साथ लूटपाट की गई है, उस पर क्या मामला सामने आया? आधा दर्जन व्यक्ति के साथ लूटपाट की कोई मामला तो सामने नहीं आया, लेकिन रात में कल बहुत ज़बरदस्त लग्न था, उस लग्न में लोग आ जा रहे थे। पानगाछी से आगे जो झाड़ी के पास 3 व्यक्तियों के द्वारा मटिहानी के 2 व्यक्ति हैं जिनको रोक करके लाठी डंडा के बल पर उनसे 4500 रुपया एवं आपको ब्लूटूथ छीनने की बात प्रकाश में आई है, उनका बयान दर्ज कर प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। विधायक का साफ तौर से आरोप है कि उस क्षेत्र में लगातार लूटपाट की घटना को अंजाम देता है, लेकिन पुलिस गश्ती मटर गश्ती करने में व्यस्त रहते हैं। विधायक जी से मेरी भी बात हुई है, विधायक जी के द्वारा इस तरह का आरोप नहीं है। विधायक के द्वारा कहा जा रहा है कि चूंकि असंवेदनशील क्षेत्र है, अपराधग्रस्त इलाका है, वो मुफस्सिल थाना का दूरस्थ क्षेत्रों में से एक है, तो वहाँ पे एक पुलिस पिकेट बनाने का विचार उन्होंने दिया है और बोला कि मैं अपने फंड से वहाँ पर एक भवन बनाऊँगा ताकि वहाँ पर अग्रतर कार्रवाई की जा सके। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।